दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं अंजनी कुमारी। आज दिनांक 19/1/2024 को काराकाट प्रखंड के काराकाट और जयश्री पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी वाली एलईडी वैन पहुंची, जहां ग्रामीण जनता ने रथ का स्वागत किया। ये वैन केंद्रीय योजना और पदाधिकारियों के साथ पहुंची। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सह बलिया के पूर्व सांसद नीरज शेखर जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से काराकाट के पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी, प्रदेश मंत्री त्रिविक्रम नारायण सिंह, जिला महामंत्री सह कार्यक्रम प्रभारी विजय सिंह, युवा नेता राजेश राज जी, विक्रमगंज नगर अध्यक्ष नागेश्वर कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह, गोडारी मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह, मुखिया योगेंद्र सिंह, मुखिया रितेश सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष रूबी देवी, मुन्ना पांडे, सुरेश गुप्ता, अरविंद सिंह, युवराज जी, सनी कुमार, रजनीकांत पांडे, तदन पांडे, सुदर्शन गुप्ता के साथ भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण जनता मौजूद रहे। रूप से मत देखिए, ये देश का विकास तब होगा जब गांव का विकास होगा। ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन का समय है। जब समय मौका मिल रहा है, जब लोगों को सुविधा दियो नहीं, हर चीज राजनीति नहीं होती है। अगर आप लोगों को सुविधा नहीं देंगे तो कल आपको वोट क्यों देगा वो? आप राजनीति में आप जनप्रतिनिधि इसीलिए बनते हैं कि लोगों की सेवा कर सके। मेरे को तो अपने पिता से मैंने यही सीखा। पिताजी कहते थे तुम्हारा कर्तव्य है, जब तुम जनप्रतिनिधि बन गए हो, जो तुम्हें वोट दिया है, जो वोट दिया है उसका भी, और जो नहीं दिया है उसका और ज्यादा तुम्हें सहयोग करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बस वोट ही वोट चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा इस देश के मुखिया से, इस प्रदेश के मुखिया से, देखिए अपने लोगों को। अभी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो अपनी योजनाओं में मत डालिए। ये कह रहे हैं ना कि कई योजनाओं का पैसा नहीं आया। मैं आदरणीय त्रिविक्रम जी से कहना चाहूंगा, प्रदेश और केंद्र का एक काम करने का तरीका होता है। जब आपको केंद्र से पैसा मिलता है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि पैसा आयुष्मान योजना के लिए आया था तो वहां पे खर्च हुआ है, कहीं और नहीं खर्च हो गया है। और उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमने इतना, आपने पैसा भेजा, इतना खर्च किया है, ये उसका प्रमाण है, तब फिर से दूसरे साल का पैसा आएगा। और बिहार और बंगाल राज्य में ये हो रहा है कि पैसा कहां चला जा रहा पता ही नहीं चल रहा, तो आपको दोबारा पैसा कैसे देगी केंद्र सरकार? जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि हमने भेजा था बिहार के लोगों के लिए कि इसका आवास बनना चाहिए, इसका आयुष्मान योजना में इस्तेमाल होना चाहिए, और वो पैसा कहीं और खर्च हो रहा है, तो कैसे भारत सरकार फिर से पैसा देगी? अब पता नहीं पैसा कहां जा रहा है तो पता तो चलना चाहिए। आप बताइए कि हमारी योजना में इसमें पैसा जा रहा है, बताना तो पड़ेगा आपको। तो ऐसे और न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बाबा दर्शन न्यूज, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।